हेलो गाइस, वेलकम टू इट्स कार कास्ट। एंड ये मेरा पहला व्लॉग है, तो पता नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कि व्लॉग वगैरह कैसे बनाते हैं, बट ट्राई पूरा है। लेट्स सी क्या होता है। एंड काफी सारी चीजें हैं, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कंटेंट वगैरह क्या डालना है कैसे डालना है, बट जो भी होगा देखा जाएगा। तो गाइज आ चुके हैं हमारे दोस्त के घर, और ये उसकी मनपसंद अल्टो है और लेजेंड गाड़ी है भाई उसकी। जब मेरे पास गाड़ी ना थी तो हम इसी की गाड़ी लेके जाते थे, ज़्यादा चलती नहीं थी लेकिन काम तो आ ही जाती थी। अब वेट कर रहे हैं उसका कब आएगा वो। जब तक आप मौसम देखिए क्या मस्त मौसम हो रहा है। काम पे जाने का मन नहीं कर रहा, बट कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। हम निकल चुके हैं, आ गया मेरा फ्रेंड। ये अपने शक्ल नहीं दिखाता है इसको बहुत हंसी आती है क्या आपकी शक्ल दिखा सकता हूँ मैं? दिखा दे भाई, दिखा दे। कौन सा पेंट है? और ये आप इतने गड्ढों में रहते हो आपको कैसा लगता है? बस भाई लाख रुपए गज का भाव है, तो रह लेते आराम से। लाख रुपए गज का भाव है जयपुर के आउटर एरिया में। हाँ भाई, जयपुर के आउटर एरिया में। और इतना पॉश एरिया है ना यहाँ पे। गाइस गाइस मैं क्या बताऊँ आपको गाइस। देख रहे बेटा, देख रहे बोलने वाला बिल्कुल शर्म नहीं आती उसको। ये देखो कोठिया दिखाना, अबे कोठिया दिखा, अबे कचरे क्या कोठिया दिखाऊं। पॉश एरिया में फिर से फंस चुके हैं। ये एरिया इतना पॉश है ना, यहाँ के भाव 10 गुना है। क्यों भैया? हाँ बिल्कुल। आप कोई क्या बोलते हैं उसको, विशेष टिप्पणी करना चाहोगे? बच्चों के स्कूल, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं और हम उठ के जा रहे हैं। कुछ भी बोले जा रहा है पागल है भाई, कुछ भी बोलते हैं हम सिस्टम है। हमारा तो सिस्टम है। तेरे को तेरे सिस्टम दोनों को देख लूंगा मैं। तो गाइस पहुंचने वाले हैं हम लोहा मंडी। आ गए हम लोहा मंडी आ गए। एक्चुअली मेरे को यहाँ से मैं बॉक्स बनवाता हूँ मेरे काम के। मेरा काम थोड़ा ऑनलाइन है, बीकॉम रिलेटेड काम है मेरा, तो उसके लिए थोड़ा बॉक्स वगैरह लगता है, तो हम यहाँ से लेने आए हैं। मौसम तो बहुत प्यारा हो रहा है, क्यों भाई? बहुत प्यारा हो रहा है, लेकिन ये जो गड्ढे होते हैं यहाँ पे हम गाड़ी नहीं चला पाते। अब मैं ही कुछ बोलेंगे, आप भी कुछ बोलेंगे। कैमरा आप हैंड ओवर करता हूँ भाई। मैं क्या बोलूँ भाई, लोग देख रहे हैं, मैं क्या बोलूँ इतने तो देख भी नहीं रहे भाई एक साल बाद बात करेंगे वापस इस बारे में ये लोहा मंडी का इकलौता पेट्रोल पंप। लोहा मंडी बहुत आउटर एरिया है बेटा, पॉश कॉलोनी है अभी। ये अचानक से बनी हुई कॉलोनी है, एकदम अचानक से रातों रात बनी हुई। कितनी जगह खाली, कितनी जगह खाली, सारी इंडस्ट्री में रही है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ी आवाज की दिक्कत आ सकती है क्योंकि हमारे पास माइक वगैरह कुछ ही नहीं है। हम बिल्कुल सस्ते व्लॉगर हैं। गाड़ी भी सस्ती, रोड भी सस्ती, जगह भी सस्ती, लोग भी सस्ते लेकिन बहुत प्यारी। अभी पहले गड्ढे थे, अभी यहाँ पे गड्ढे नहीं है। पहाड़ देख रहे हो? पहाड़ इधर हम चढ़ा करते थे। हाँ इस पहाड़ पे चढ़े हुए अपन भाई। हाँ भाई देख, जिंदा पहाड़ है ये, बिल्कुल हरा भरा। सही में चढ़े थे भाई अपन इधर? हाँ पता है, पता है। देखना रूट भी दिख रहा है इनको, शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। हमारा एक दोस्त था वो हमको चढ़वाता था पहाड़, रूट है वो दिख रहा होगा जबरदस्ती। तो गाइस आ चुके हैं बॉक्स वगैरह लेने। ये सही रेटों पे अच्छे बॉक्स देता है, क्वालिटी बढ़िया रहती है उनकी। तो मेरी वर्क प्लेस पे, मेरा जहाँ पे दुकान है, ये है MI रोड। एंड अगर आप जानते होंगे तो ये है गणपति प्लाजा। मौसम अभी भी अच्छा ही हो रहा है, रेड लाइट पे खड़े हैं हम। एंड चलो पहुँचते हैं दुकान। तो खाने का मन कर गया मेरे और मेरे भाई का।
ये है फेमस, बहुत फेमस है ये कचौरी वाला। अभी तो गरम गरम बन रही है प्याज की कचौरी, खाते हैं। निकल चुके हैं दुकान से। अरे यार कॉपीराइट आ जाएगा भाई, बंद कर दे। हाँ तो भाई हम जा रहे हैं अब घर अपने। यहाँ से बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है, अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है क्योंकि ये है ऑफिस टाइमिंग एंड यहीं से ट्रैफिक स्टार्ट हो गया। गाइस क्या करें, एसी तो ऑन कर ले, हो गया क्या? बहुत मुश्किल है घर जाना अब क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इस टाइम पे। यहाँ से राज मंदिर आता है राइट लेते ही। तो गाइज हम ऐसे आपको जयपुर घुमाते रहेंगे, कीप सपोर्टिंग एंड फॉर श्योर एक दिन हमारे भी थोड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, टच वुड हो जाए। एंड हम निकलते हैं, कोई पुलिस वाला ना देख ले क्योंकि आजकल व्लॉगिंग करते हुए लोगों को लोग पकड़ लेते हैं, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने सुना है। बाकी जब होगा तो देखी जाएगी, सो देखते हैं। गाइस चेक दिस आउट, ये है हमारा, नहीं नहीं चलने दे, इंडिपेंडेंस डे के माहौल पे। मेरे को पता नहीं है इस प्लेस को बोलते क्या है, बट ये क्या है पता नहीं है। तो गाइस अगर आपको पता है नहीं, ये टूरिस्ट डिपार्टमेंट है। धर्मशाला है ये, सरकारी मतलब जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए है, लेकिन बहुत अच्छा सजाया है, बहुत अच्छा सजाया है। और ये ठेका पता नहीं किसके लिए सजा रखा है इन्होंने, हम तो इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं सर। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। बीआर कैफे, जयपुर में बहुत कुछ है घूमने को बट बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। यहाँ पे आजकल ऐसा हो रहा है जैसे क्लब की जैसे क्लब्स वगैरह होते हैं, बार वगैरह होते हैं, आजकल ये 11 बजे बंद हो जाते हैं। मतलब हमको क्लबिंग अगर करनी है, अगर अच्छे से करनी है तो तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ना, अगर तुम्हारे पास पहले से कुछ जुगाड़ है तो तुम रेडी से ना सकते हो 11 बजे। लेकिन अगर फॉरेस्टा सामरे बेस्ट क्लब्स इन जयपुर राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाइप है, बहुत हाइप है। भाई साहब जयपुर भी अमीर हो गया है अब तो जयपुर भी अमीर हो गया है भाई। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे विद्यानगर में भी काफी कुछ खुला है। चलो देखते हैं और कुछ। तो गाइस बस घर पहुंचने वाले हैं और अब घर जाते तो मैं एक प्यारी सी चीज से मिलवाने वाला हूं मैं, जो बहुत ही दिल के करीब है मेरे। पहला दिन है तो मैंने सोचा क्यों ना उसको दिखाया जाए। मैंने पहले सोचा नहीं था उसको दिखाऊंगा मैं, लेकिन बट वो है ही चीज दिखाने लायक, सो देखोगे आप उसको थोड़ी देर में। तो गाइस ये है हमारा छोटा सा जानवर, इसका नाम स्नो है। स्नो ये बहुत प्यारा है लेकिन सर दर्द है, सर दर्द है एक नंबर का, रात को सोने नहीं देता है, ये नहीं सोने देगा, नाराज है शायद। ऐसी प्यारी हरकतें कर करके ये हमको मना लेता है, बहुत प्यारा है ये, लेकिन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। बस ये सोने नहीं देता है कुत्ता, हमको ये सोने नहीं देता। स्नो स्नो अभी बज चुके हैं, क्या टाइम हो रहा है भाई? भाई देखना ये 12:27 12:27 हो गए हैं। ये मेरा दोस्त मेरे को परेशान करने के लिए आ चुका है, अब क्या करे, जाना पड़ता है दोस्ती यारी में दोस्तों। चलो देखते हैं घर का पोस्ट है। ओके गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग आवर फर्स्ट व्लॉग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय।